हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए स्मॉल साइज में हाफ जैकेट, शॉर्ट में, ठीक है, छोटा हाफ जैकेट स्मॉल साइज का। तो उसके फंदे बता देती हूँ मैं आपको। ये हमारा बैक साइड का है और ये फ्रंट साइड का है। ये दोनों हमने कम्प्लीट कर लिए हैं और ये हमारा फ्रंट साइड का है। आगे को आपको दिखेगा कि किस तरह से हमने बनाया है, ठीक है। तो अभी ये पार्ट नंबर 1 है, आधा ही बना हुआ है। तो इसके बाद पार्ट नंबर 2 में हम कम्प्लीट इसको कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, हम अक्सर बैक पार्ट के ही फंदे लेते हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट में हमने 80 फंदे लिए हुए हैं, ठीक है, 80 फंदे लिए हुए हैं। ये 250 ग्राम करीब ऊन है और ऊन हमारी वर्धमान की, ये वाली हमारी ऊन है। और जो बटन, ये बॉर्डर हमने बनाया है, ये 11 नंबर से बनाया है, बाकी हमने ऊपर 10 नंबर से बनाया हुआ है, ठीक है। स्मॉल साइज है ये, 10, 11, 12, 13 साल के बच्चे को भी आ सकता है और लेडीज भी और इसको वियर कर सकती है, ठीक है, उस तरह से बनाया गया है। और इसका गला हम वी शेप में बनाने वाले। अब तक आपने जो रेगुलर वीडियो मेरी देखते हैं, उन्होंने देखा होगा कि राउंड नेक ही मैं अक्सर बनाती हूँ। तो आज मैं वी नेक का भी लेके आई हूँ, किस तरह से, एक आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देने के लिए कि वी नेक हम किस तरह से घटाते हैं और कैसे वो बनता है, ठीक है। तो फंदे बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे बॉर्डर में, बैक पार्ट जो है बॉर्डर में 80 फंदे हैं, ऊपर 84 फंदे हैं, ठीक है। तो चार ही फंदे इसलिए बढ़ाए हैं मैंने, ये जो बॉर्डर है ये ज्यादा खिंचता नहीं है और जो ये पैटर्न हमने दिया ये काफी खिंचता है, इसीलिए हमने ऊपर चार ही फंदे बनाए हैं। मेजरमेंट अभी बता दूंगी मैं कितना लंबा बनाया है और कैसे हमने आर्म होल की कटिंग की है, ठीक है। ये तो हो गया बैक पार्ट की, और ये है हमारा फ्रंट पार्ट, ये और ये, ठीक है। 56 फंदे इसमें दिए हुए हैं, 56 फंदे नीचे हैं और ऊपर हमारे 60, चार फंदे बढ़ाने के बाद 60 हो गए, ठीक है। चार फंदे बढ़ा लेंगे, ऊपर हमारे 60 हो जाएंगे। तो आप सबको समझ में आ गया होगा फंदे कितने लेने। आगे को आप देखेंगे, बॉर्डर का हमने पैटर्न दिया हुआ है, जिनको आता है वो बना ले, जिनको नहीं आता है पूरी वीडियो देखने के बाद आप बॉर्डर बना लें, ठीक है। और जो पैटर्न है इसका, इस पैटर्न की वीडियो भी इसी वीडियो में दी हुई है, क्योंकि अगली वीडियो जो है इसके बाद जो पार्ट नंबर 2 में बताएंगे हम, आर्म होल की कटिंग बताएंगे और साथ में गले की कटिंग कैसे करते हैं, आर्म होल की कटिंग कैसे करते हैं और जो गला जो बनता है वी शेप का, तो किस तरह से वो बैक साइड से बनता है और आर्म होल की जो बॉर्डर होता है वो कैसे बनता है, ये सारा हम पार्ट नंबर 2 में आपको बताएंगे। आप देख रहे होंगे बैक साइड में और एक फ्रंट साइड का हमने इस तरह से आर्म होल की कटिंग कर ली है, ठीक है। तो आप यहां तक बना लीजिए, उसके बाद आप पार्ट नंबर 1, 2 दोनों देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूं आपको आर्म होल की कटिंग कैसे की जाती है। जैसे यहां पे हम करेंगे वैसे हम बैक पार्ट में दोनों साइड में करेंगे, वैसे हम इस फ्रंट साइड के पार्ट में एक साइड में करेंगे, तो सेम तरीके से होगा। तो मुझे मैं एक इस फ्रंट पार्ट में बता दूंगी आपको, यहां से इसका गला भी बनाया जाएगा, बाकी इसका मैं मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। देखिए फुल लेंथ है, आर्म होल तक की फुल लेंथ है इसकी, बता देती हूँ आपको, 13 इंच है, ठीक है, 13 इंच के आसपास ये बन चुका है। अब हम इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे, आर्म होल से ऊपर कितना बनाना है ये भी देख लीजिए। ये देखिए 13 इंच के डिस्टेंस पर हमने आर्म होल की कटिंग की है। अब यहीं से हम पूरा कंप्लीट इसको, इसका मेजरमेंट करें, तो ये देखिए यहां से हम करेंगे तो टोटल इसकी लंबाई 7 इंच है, ठीक है, 7 इंच के आसपास है, थोड़ा सा इसको शायद बढ़ाना पड़े। तो जब कंप्लीट, जब टोटली मैं बनाऊंगी तभी आपको पता चलेगा। और ये देखिए इस तरह से ये गले की शेप देते हैं, वी शेप जो देते हैं इस तरह से देते हैं। और कैसे देते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। पूरी लेंथ है इसकी बता देती हूँ, कितना आपको पता चल जाएगा कितना ये लंबा है, कितना आपको बनाना है और कितना हमने बनाया है, ठीक है। 20 इंच इसकी पूरी लेंथ है, मुझे लग रहा है आधा इंच और बनाना पड़ेगा मुझे, तो 21 इंच इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी, ठीक है।
तो आपको जैसे बनाना है जितना लंबा बनाना है आप उतना लंबा बना लिए। जैसे कि हमने आर्म होल तक 13 इंच का बनाया था, ऊपर को हमने लगभग हम 7.5 से 8 इंच बनाएंगे ऊपर अभी, ठीक है। लगभग टोटल अभी जैसे मैंने बताया 21 इंच हो जाएगा। आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो आर्म होल तो हमारा सेम ही रहेगा लंबाई, लेकिन इसको बढ़ा लीजिए आप 14-15 इंच कर लीजिए, जितना आपको बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जैसे छोटा पहनते हैं एकदम साड़ी में, एकदम छोटा पहनते हैं इतना, तो कम भी कर सकते हैं इसको। तो अगर आपको कम करना है तो नीचे साइड को होगा, ऊपर आर्म होल की तरफ कम नहीं होगा, आर्म होल जितना है उतना ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने बैक पार्ट बनाया है और ये बॉर्डर दिया हुआ है और ऊपर से इस तरह से पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम दूसरे में भी बॉर्डर दे देते हैं फ्रंट साइड से। एक फ्रंट साइड से मैंने बॉर्डर दे दिया है, यही बॉर्डर हम एक साइड का है ये और दूसरे साइड का देंगे। तो चलिए बॉर्डर कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए 56 फंदे हमने ले लिए हैं। जो हमारा बॉर्डर का पैटर्न है वो शुरू से ही हम फर्स्ट रो से ही हम शुरू कर देंगे, ठीक है। एक और दो, दो उल्टे बनाने के बाद एक फंदा ले लेंगे हम, बिना बनाए स्किप कर लेंगे, दूसरा बना लेंगे, स्किप कर लेंगे एक फंदा, एक उल्टा बना लेंगे पर्ल में, ठीक है। यही हमको पूरी रो में कर लेना है। एक फंदा लिया और एक फंदा बना लिया, एक फंदा बिना बनाए ले लिया और एक फंदा बना लिया, ठीक है। ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, इसी तरह से करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक रो बना, एक फंदा बना लेना है, एक बिना बनाए ले लेना है। ये देखिए इस फंदे को हम बिना बनाए ले लेंगे और इस फंदे को बना लेंगे, इस फंदे को हम बिना बनाए ले लेंगे, इस फंदे को हम बना लेंगे, ठीक है। रो कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए इसी तरह से हम लास्ट में पहुंच गए हैं। यहाँ पे बस 4 फंदे रह गए हमारे, लास्ट के 2 मैं उल्टे ही बना लूंगी। और जो लास्ट वाला फंदा होता है, अगर हमारी रो दोनों रो बैक भी फ्रंट भी उल्टी उल्टी आ रही है तो लास्ट वाला फंदा हम सीधा करेंगे दोनों तरफ के, इस साइड भी इस साइड भी, ठीक है। और फर्स्ट रो हमारी इसी तरह से कंप्लीट हो जाती है। सेकंड रो पूरी पर्ल में बना लेनी है हमको, ठीक है, उल्टा उल्टा बना लेना है पूरा। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इस रो को कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट रो में। तो ये देखिए बैक रो भी हम लास्ट वाला फंदा सीधा ही करेंगे, ठीक है, धागा आगे करके सीधा ही कर लेंगे। तो 2 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। आ गए हम थर्ड रो में, फ्रंट साइड में क्या करना है हमको, हमने जैसे कि बताया आपको, दो फंदे में ऐसे ही बना लूंगी। और ये तीसरा फंदा देखिए, इसके आगे धागा दिख रहा होगा आपको, ये पर्ल वाला तो यहाँ पे है, ये जो हमारा पिछली रो में हमने नहीं बनाया था उसे बना लेंगे और जो बनाया था उसे स्किप कर लेंगे। जो बनाया था उसे नहीं बनाना है और जो नहीं बनाया था उसे बनाना है। जैसे ये देखे बना हुआ फंदा है, इसको निकाल लेंगे, जो नहीं बना हुआ फंदा है देखे, ये हमने धागा ऐसे ले रखा है, स्किप किया था, इसको बना लेंगे, स्किप करेंगे बना लेंगे, स्किप करेंगे बना लेंगे, इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ठीक है, रो कंप्लीट कर लेते हैं। और बैक रो हमारी टोटल जितनी भी हैं सब पर्ल में ही आएंगी। फ्रंट में हमको एक फंदा स्किप करना है, एक फंदा बनाना है, और याद रखना है हमको पिछली बार हमने कौन सा फंदा स्किप किया था और कौन सा फंदा हमने बनाया था, ठीक है, ये चीज याद करनी है। देखिए थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये देखिए, ये नहीं बनाया है, इसके नीचे बनाया है। अगर आप एक ही फंदे को जिसको नहीं बना रहे उसी को नहीं बनाते रहेंगे और जिसको बना रहे उसी को बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हर रो में चेंज हो जाएगा। बैक रो हमारी पर्ल में ही आएगी इस तरह से, और फ्रंट रो में हम चेंज करते हुए जाएंगे, ठीक है, हर रो में हम चेंज करते हुए जाएंगे।
तो ये देखिए बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। बॉर्डर मैं इंच के हिसाब से बता देती हूँ आपको, अगर आपको इतना ही बनाना है तो बना लीजिए, थोड़ा कम ज्यादा भी करना हो तो कर लीजिए, ठीक है। 2.5 इंच का बॉर्डर हमारा बन चुका है। 55 फंदे यहाँ पे हैं। अब यहाँ से मैंने 10 नंबर की नीडल्स ले ली है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि पैटर्न हमारा इस तरह से जाली वाला है, और जाली वाला आपको पता है काफी खिंचता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम 5 फंदे बढ़ा लेंगे, 5 फंदे हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हमारा बॉर्डर आएगा, इस वाले पार्ट में हमारा बॉर्डर जो बटन पट्टी का बॉर्डर होता है वो इस साइड आएगा, बाकी हमारा इस साइड पैटर्न आएगा, ठीक है। तो मैं आपको पैटर्न बताऊंगी किस साइड, जिस साइड हम बटन होल बनाते हैं उस साइड से बताऊंगी, ठीक है। तो पहले मैं ये वाला बना रही हूँ, तो आप भी इसको बना लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। इससे पहले कि हम बॉर्डर बनाएं और पैटर्न डालें, तो बैक साइड में हम 5 फंदे बढ़ा देंगे, 4 फंदे बढ़ा देंगे, 60 कर लेंगे, ठीक है। आप भी बढ़ा लीजिए अगर आपको बढ़ाने हैं। यहां से मैंने 10 नंबर के नीडल्स ले लिए हैं। ये हमारा पट्टी में आएगा, बटन पट्टी जो हम बनाते हैं वो आएगा। यहाँ पे नहीं बढ़ाऊंगी मैं, बटन पट्टी पे नहीं बढ़ाऊंगी, बीच में बढ़ाऊंगी। ये देखिए एक एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेती हूँ, एक। आपका फंदा बढ़ाने का तरीका जो भी है वैसे ही बढ़ा लीजिए आप, जरूरी नहीं कि इसी तरह से बढ़ाएं। एक फंदा बढ़ गया, दूसरा फंदा भी बढ़ा दिया हमने, और 2 फंदे और बढ़ा लेंगे, और टोटल इसमें फंदे रख लेंगे 60, ठीक है। 56 फंदे थे इसमें, 55 नहीं, 56 फंदे थे, तो 60 फंदे रख लेने आपको। एक फंदा ऊपर नीचे कोई बात नहीं, अगर 55 शायद मैंने बोल रखा है, लेकिन इसमें 56 फंदे हैं, ठीक है। ऊपर जहां पे हम पैटर्न शुरू करेंगे वहां पे हमारे 60 फंदे होने चाहिए। तो 4 फंदे बढ़ गए हैं, देख लेते हैं कितने फंदे हो रहे हैं, 60 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। एक फंदा कम है, एक फंदा और बढ़ा लेंगे, टोटल 60 कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 60 फंदे। ठीक है, बॉर्डर के बाद हम ऊपर बना लेंगे 60 फंदे। अब हमको यहां से पैटर्न शुरू करना है, और इस तरफ बढ़ेगा बनेगा हमारा बटन पट्टी। तो जहां बटन पट्टी होती है वहां पे हम फंदे नहीं बढ़ाते हैं, इधर को बढ़ाते हैं, ठीक है। सेम दोनों ही, दोनों जो फ्रंट पार्ट हैं उनको सेम बॉर्डर बना के आती हूं मैं, दोनों को एक साथ ही, दोनों के जो पैटर्न है वो बता दूंगी मैं किस तरह से बैठा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 60 फंदे ले लिए, नीचे नीचे से ही हमने बराबर फंदे लिए हैं 60 फंदे, ठीक है। अब यहाँ से हमने बटन पट्टी बना रखी है ये इस तरह की, और यहाँ को हमने पैटर्न दिया हुआ है। तो देखिए बटन पट्टी कैसे बनाई है हमने, केबल दिया है नॉर्मल सा, ठीक है। तो मैं बता दूंगी आगे को केबल कैसे बनेगा, और 10 फंदों का एक केबल बना हुआ है। देखिए 5 फंदे हो गए, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 10 फंदों का हमको बटन पट्टी बनाना है, ठीक है। और ये देखिए आपको पैटर्न देखने को मिलेगा इस तरह का पैटर्न, पैटर्न मैं बता दूंगी आपको बाद में, अभी मैं बैठाना बता देती हूँ आपको। शुरू में आपने क्या करना है, 10 फंदे आपके बटन पट्टी के हो गए, धागा आगे करना है और इस तरह से लपेट लेना है, ठीक है। एक उल्टा, उसके बाद 3 फंदों का एक, 6 फंदों का ये एक पैटर्न है, ठीक है। फिर एक उल्टा, धागा आ गई है, एक जाली दे देंगे, ये हमारा एक पैटर्न हो गया, ठीक है। रिपीट पैटर्न, धागा आगे करेंगे, लपेट लेंगे, एक उल्टा, 3 फंदों का एक, फिर एक उल्टा और धागा आ गई है और जाली दे देंगे, एक, 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए। तीसरा रिपीट पैटर्न, धागा आगे करके लपेट लिया, एक उल्टा बना लेंगे, 3 फंदों का एक कर लेंगे,
एक उल्टा बना लेंगे, धागा आ गई है एक जाली दे देंगे, चार पैटर्न कंप्लीट हो गए। फिर रिपीट पैटर्न, धागा आगे करके लपेट लेंगे, एक उल्टा, तीन फंदों का एक और एक उल्टा, धागा आ गई है और जाली दे देंगे, ऐसे धागा आगे और लपेट लेंगे। देखिए ये रिपीट पैटर्न है हमारा, उल्टा बना लेंगे, एक, तीन फंदों का एक कर लेंगे इस तरह से, एक फंदा फिर से उल्टा, धागा आ गई है और जाली दे देंगे। ये भी रिपीट पैटर्न है, छह फंदों का पैटर्न है, बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तीन का एक, एक उल्टा, धागा आ गई है, जाली दे देंगे, फिर जाली देंगे लपेटते हुए, धागा आगे करेंगे, लपेट लेंगे और जाली दे देंगे उल्टे में, और तीन फंदों का एक कर लेंगे यहाँ पे, और एक उल्टा, धागा आ गई है, जाली दे देंगे। फिर रिपीट पैटर्न, धागा आगे और लपेट लेंगे, एक उल्टा, तीन फंदों का एक, एक उल्टा और ये जाली, यहाँ से दो फंदे एक्स्ट्रा हैं। ये तो हमारा पैटर्न आएगा हर रो में, हर चौथे रो में यही, पांचवें रो में यही आएगा। फर्स्ट रो हमारी पैटर्न वाली है, सेकंड रो हमारी उल्टी उल्टी बन जाएगी, जिसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा उल्टा बना लेते हैं इसको पर्ल में, सेकंड रो, ठीक है। फर्स्ट रो में हमने पैटर्न दे दिया, सेकंड रो हमने उल्टा बना लिया, कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए बैक रो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फ्रंट साइड में थर्ड रो आ गई, थर्ड रो हमारी पूरी सीधी, यहाँ पे हम पैटर्न देंगे अभी, ये बटन पट्टी है हमारी, यहाँ पे हम केबल देंगे, इसके बाद दो, इसके बाद उल्टी जो रो आएगी उसके बाद हम सीधी रो में पैटर्न देंगे, ठीक है। और ये वाला जो बटन पट्टी के बाद जो पैटर्न आता है हमारा, उसके ऊपर भी हम थर्ड रो सीधा सीधा ही बनाएंगे, पूरा सीधा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने पैटर्न दिया था अभी पहली रो में, सेकंड रो उल्टी बनाई, थर्ड रो हमारी इस तरह से सीधी आएगी और फिफ्थ रो भी हमारी उल्टी आएगी। तो दोनों रो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, सीधी भी और उल्टी भी। ये थर्ड रो है और फोर्थ रो, दोनों रो कंप्लीट करके फिफ्थ रो में आती हूँ मैं वापस यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारी फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गई बैक साइड की। अब हम पैटर्न भी बनाएंगे और साथ में देंगे इस तरह का केबल जो हमने बटन पट्टी के लिए बना रखा है, ठीक है, ये केबल देंगे। तो ये आठ फंदों का केबल है। शुरू में क्या करेंगे, चार फंदे निकाल लेंगे और इन दो फंदों को इस वाले से ले लेंगे और इन दो फंदों को इस वाले से इस तरह से उठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ही नीडल में दे देंगे दोनों को, ठीक है। दो फंदे हमने अलट पलट लिए, ये हो गया, सीधा बना लेना है, ये भी, इसको भी सीधा बना लेना है, चार फंदे, ठीक है। ये केबल है, एक नॉर्मली केबल है जो हम फंदे पलटते हैं, ठीक है। चार फंदों का ये हो गया और चार फंदे फिर पलटने हमको, ये इनको कैसे पलटेंगे हम, इस तरह से दो फंदे ले लेंगे और इन इस नीडल में से निकाल करके आगे से इसी नीडल में भर करके इसी में भर लेंगे, ठीक है। साथ में हम इनको बना भी देंगे, एक, दो, तीन, चार, ये तो हमने केबल बना दिया, ठीक है। दो फंदे हमने प्लेन रखे हैं यहाँ पे, दो फंदे हमने सिंपल रखे हैं, जैसे कि ये दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए केबल बनाने के बाद दो फंदे हमारे सीधे हैं, ठीक है। फिर दो फंदे सीधे बनाने के बाद, ये तो हमारा 10 फंदों का आ गया है बटन पट्टी का पैटर्न, और ये हम छह रो बना, ये पहली रो बन गई है, इसके बाद छह रो और बनाएंगे और सातवीं रो में फिर से हम पलट लेंगे इस तरह से, ठीक है। देख लीजिए आप डिस्टेंस आपको कितनी रखनी है, कितने फंदों के, कितने नीडल्स लाइन के बाद आपको पलटना है। देखिए छह फंदों के बाद सातवें में मैंने इसको पलट दिया वापस वही। तो ये देखिए दो सीधा, दस के बाद हम क्या करेंगे, पैटर्न वही रिपीट करेंगे। क्या किया था हमने, फर्स्ट रो में धागा आगे करके लपेट लिया था, एक उल्टा बना लिया था, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मोटा सा, ये हमेशा बीच में रहना चाहिए, इसके अगल बगल दो उल्टे, ये हमारे हमेशा तीन का एक आ जाएगा, ठीक है, तीन का एक। और ये जो एक हमने जाली वाला था इसको उल्टा बनाएंगे और यहाँ पे नई जाली दे देंगे इस तरह से, ये हमारा एक पैटर्न यहाँ से यहाँ तक बन के आ गया, ठीक है। धागा आगे करेंगे, लपेट लेंगे, एक उल्टा बना लेंगे, तीन फंदों का एक करेंगे और एक उल्टा बना लेंगे और धागा आ गई है और जाली दे देंगे। समझ में आ रहा है आपके,
ये देखिए ये पैटर्न हमारा निकल के आ रहा है। तो यही पैटर्न आपको बार बार रिपीट करते हुए बनाना है। तो इसका मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ, काफी आसान पैटर्न है। थोड़ा सा थोड़े से फंदों में मैं पूरा पैटर्न बता देती हूँ आपको किस तरह से दो पैटर्न बना करके। वैसे पैटर्न बैठाना तो मैंने बता दिया, उसी में आपको पता चल गया होगा। चार रो में चार रो का पैटर्न है लेकिन एक ही रो में पैटर्न आएगा, ठीक है। फर्स्ट रो में पैटर्न आएगा और तीन रो हम सिंपल बनाएंगे, इस तरह से ये पैटर्न है। तो देखिए पैटर्न बनाने के लिए क्या करेंगे, छह छह के मल्टीपल में फंदे ले लेने हैं, ठीक है। और देखिए कभी भी अगर आपके बराबर फंदे ना हो, एक ज्यादा या एक कम हो, तो कम हो तो आप एक बढ़ा सकते हैं किनारे पे, ज्यादा हो तो एक घटा सकते हैं। एक दो फंदे से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो दो रो हमने बना ली है, एक सीधी एक उल्टी। क्या करेंगे, शुरू में एक एक्स्ट्रा लेंगे और एक बना लेंगे, ठीक है। और जो पैटर्न है, जो मैंने पैटर्न इसमें दिया है, उसमें तीन एक्स्ट्रा बनाए, तो एक्स्ट्रा आप साइड में कितने भी कर सकते हैं, ठीक है। धागा आगे करेंगे, पैटर्न देख लीजिए, धागा आगे करके इस तरह से लपेट लेंगे और एक उल्टा बना लेंगे। तो लपेटने की वजह से क्या हो गया, एक फंदा बढ़ गया है, तो इस एक फंदे को कम करेंगे, दो का एक नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, तीन का एक, दो फंदे कम करेंगे। एक फंदा तो हमने अब ये बढ़ा दिया, इसके लिए एक कम करना है हमको, तीन का एक करके एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो जाली देंगे ये बढ़ गया, तो देखिए दो फंदे बढ़ गए हमारे, एक और ये दो, दो फंदे बढ़ गए, तो बीच में तीन का एक कर लिया, तो क्या हो गया, दो घट भी गए। तो हमारा पैटर्न जो है यहां से यहां तक है, एक सीधा धागा आगे करके लपेट लेंगे और उल्टा बना लेंगे, तीन फंदों का एक, एक उल्टा, फिर धागा आगे करके जाली देंगे। जिस फंदे में हम जाली देंगे वहीं से हमारा नया पैटर्न आ जाएगा रिपीट वाला। धागा आगे करेंगे, लपेट लेंगे, एक उल्टा, लपेट लिया, बढ़ गया, उसको कम करने के लिए एक फंदा कम करेंगे और एक और बढ़ाएंगे। अभी यहां पे एक जाली और देंगे तो उसके लिए पहले ही हम एक फंदा कम कर लेंगे, तो यहां पे हम तीन का एक कर लेंगे, तीन का एक, एक उल्टा, ठीक है। और धागा तो हमारा आगे ही है जाली देने के लिए, एक इस वाले को सीधा बनाएंगे, इस तरह से जाली दे देंगे। ये हमारे दो पैटर्न हो गए, रिपीट पैटर्न आएगा। धागा आगे करेंगे, लपेट लेंगे, एक उल्टा बना लेंगे और तीन फंदों का एक कर लेंगे और एक फंदा उल्टा कर लेंगे और धागा आगे ही है जाली दे देंगे, ठीक है। और दो फंदे हमारे जो लास्ट में एक्स्ट्रा थे, ठीक है, ये हो गया। देखिए अब क्या करना है, अगर आपके फंदे इतने ही है, माना कि आपके फंदे इतने ही है, यहां से आगे आपके फंदे नहीं है, तो आप सोचोगे कि अब तो हमने यहाँ पे धागा एक फंदा बना के धागा आगे करके लपेट लिया और उल्टा बना लिया, तीन का एक कर दिया। तो यहाँ पे आपको जब आप एक जाली बनाते हो और दूसरी जाली आपकी यहाँ को नहीं बन रही है, माना यहाँ पे हम सपोज कीजिए ये फंदे हमारे आगे के नहीं है, बस हमारे पास इतने ही फंदे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे धागा आगे करके एक जाली दे दी है, यहां तक तो ये वाला तो ये पैटर्न का है। अब यहां से हमारा नया पैटर्न बन रहा है, एक सीधा धागा आगे लपेट के एक उल्टा और तीन का एक। तो यहां पे क्या करेंगे हम, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहां पे क्या करेंगे, धागा आगे करके एक उल्टा बना लिया तो एक बढ़ गया, तो यहां पे तीन का एक नहीं करेंगे, ठीक है, दो फंदे नहीं घटाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, दो फंदों का एक करेंगे, सिर्फ एक फंदा घटाएंगे। कभी कभी क्या होता है, पैटर्न बराबर नहीं बैठता है, एक दो फंदे कम हो जाते हैं, तो आप ये यहाँ पे तीन का एक करेंगे तो आप एक फंदा घटा दो दिया, लेकिन आगे फंदे है नहीं, जाली कैसे बनेगी। तो यहाँ पे तीन फंदे आपके, दो फंदे आपके घट रहे हैं, तीन का एक हो रहा है, दो फंदे घट रहे हैं, तो एक फंदा आपका फालतू में ही घट गया, कम हो गया, तो आगे को हमारा पैटर्न, आगे को फंदे कम हो सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, ये देखिए ये बीच में जो जाली है, ठीक है, यहां का तो इसने अपना इधर वाला पैटर्न तो बना दिया इसने, लेकिन इधर वाली जाली सिर्फ एक जाली है, एक उल्टा करेंगे और एक ही फंदा कम करेंगे। एक फंदा कम कैसे होता है, दो फंदों का एक करने से एक फंदा कम होता है, तो एक जाली है तो एक फंदा कम करेंगे। बट हमने यहाँ पे पूरा पैटर्न आपको बताया, एक जाली ये दी है, एक जाली ये दी है, दो है तो दो का एक हो जाएगा, तीन फंदों का एक हो जाएगा, दो फंदे कम हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो में हमने पैटर्न बैठा दिया, दूसरी रो हमारी पूरी पर्ल में आएगी, मतलब पूरी उल्टी आएगी, ठीक है। ये दूसरी रो है हमारी,
सेकेंड रो इसे कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट हो गई है दूसरी रो। अब ये तीसरी रो, थर्ड रो, ये आएगी हमारी सीधी सीधी। एक मैंने बोला ना आपको, पहले ही बताया था कि तीन रो हमारी एकदम सीधी आती है, तो इसे सीधा बना, सीधी तरफ सीधा बनाएंगे और उल्टी तरफ उल्टा। तो ये सीधी तरफ है तो इस वाले रो को हम सीधा सीधा बना लेते हैं। रो कंप्लीट करके बैक साइड में फिर से आते हैं। ये देखिए अब हमारी ये फोर्थ रो है, चौथी रो, ठीक है। चौथी रो भी हमारी पर्ल में आएगी, फोर्थ रो हमारी पर्ल में आएगी। इस तरह से इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो में पैटर्न, सेकंड रो उल्टी, थर्ड रो सीधी, फोर्थ रो उल्टी, और यहाँ पे हम वापस पैटर्न बनाने के लिए फिफ्थ रो में आ गए। तो चार रो का ये पैटर्न है। फिर से हमने जो शुरू में हमने किया था वही करेंगे, एक फंदा ऐसे ही ले लेंगे और एक फंदा बना लेंगे, धागा आगे करके जाली ले लेंगे। अब देखिए बाय चांस आप यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर रही, ये फंदे यहाँ पे बंद हो जाएंगे, ये फंदे आपके यहां तक बंद हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप तीन का एक करेंगे तो आपकी जो पैटर्न है आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा अगर आपके यहाँ को फंदे नहीं है, आप सिर्फ दो का एक ही कर सकते, तीन का एक तो आप तब करेंगे जब यहाँ पे जाली देंगे। ये तीन के एक तब होंगे जब यहाँ पे एक जाली आएगी। जब ये फंदे हमने घटा दिए, आर्म होल की कटिंग कर ली या गले की कटिंग कर ली, इतने ही फंदे हमारे आगे को रह गए, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपको जाली देनी है इस वाले पैटर्न के लिए, क्योंकि जो ये सीधा होता है ना, ये जो बीच का होता है, यहां तक हमारा एक पैटर्न आता है। तो यहां से इधर को, इस फंदे से इधर को नया पैटर्न है, इस फंदे से इधर को एक दूसरा पैटर्न है, तो यहाँ पे एक जाली आएगी, जाली आएगी, सिर्फ एक जाली आ रही है। तो आप क्या करेंगे, इन दो फंदों का दो का एक करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे और जाली देंगे, ठीक है। तीन का एक नहीं करेंगे क्योंकि आपकी, आपके आगे यहाँ फंदे तो है नहीं, तो आप जाली कैसे दोगे, ठीक है। तो जाली अगर आएगी तभी दो का, तीन का एक होगा, अगर जाली नहीं आएगी तो तीन का एक नहीं होगा, ठीक है। तो धागा आगे कर लिया है हमने, उल्टा बना लिया है। अब ये क्या करना है, जो तीन देख रहे हो आप बीच में, ये तीन का एक किया था ना हमने फर्स्ट बार, ये हमेशा बीच में होना चाहिए, इसके अगल बगल उल्टे फंदे होने चाहिए। तो उन तीन फंदों को हम फिर से तीन का एक कर लेंगे, और जो ये जाली वाला फंदा था इसको बना देंगे उल्टा, और एक नई जाली हम यहाँ पे दे देंगे। ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा बीच वाला फंदा होता है जो हमारे एक एक पैटर्न को कंप्लीट करवाता है, यहां से यहां तक, ठीक है। तो बीच वाला फंदा बना लिया, धागा आगे करेंगे, लपेट लेंगे, फिर एक उल्टा बना लेंगे, तीन फंदों का एक कर लेंगे और एक उल्टा। ये देखिए ये बीच वाला फंदा आ गया हमारा जाली का, फिर धागा आगे करेंगे, लपेट लेंगे और उल्टा बना लेंगे। हमेशा ये भी हमेशा हमारा क्या होगा, जो ये जाली वाला बीच का फंदा है ये हमेशा बीच में रहेगा, और ये जो हम तीन का एक करते हैं ये हमेशा बीच में रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक उल्टा कर लिया, अब ये तीन का एक करने में बीच में वही फंदा रहेगा जिसको हमने पिछली बार तीन का एक किया है। ये इसका थोड़ा ख्याल कीजिएगा अगर आप पहली पहली बार बना रहे हैं। तो देखिए उल्टा बना लिया एक और जाली दे दी, ये एक्स्ट्रा हो गए। आपने पैटर्न बैठा दिया छह छह के मल्टीपल में, और आपके जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं, माना आपके आठ या चार एक्स्ट्रा हो रहे हैं, चार फंदे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, दो इधर कर लेंगे, ठीक है। जितना आप पैटर्न बैठाते हैं उतना मल्टीपल करने के बाद जो एक्स्ट्रा फंदे बचते हैं, वो जिनमें पैटर्न नहीं बैठ रहा आपका, तो आप क्या करेंगे, अगल बगल उनको ले लेंगे फंदों को। और दूसरी बात, अगर आपके तीन फंदे बच रहे हैं तो आप, आपको अगर लग रहा है कि आपके फंदे ज्यादा हैं तो आप कम करना चाहते हैं तो उनको दो कर लीजिए, एक कम कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि एक फंदा बढ़ाना ही है, ये बढ़ाने से कोई वो नहीं होगा, तो आप एक फंदा उसको तीन का चार भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा सेकंड रो है, उल्टी रो। इसी तरह से हम पैटर्न के ऊपर पैटर्न बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो पैटर्न देखिए कितना आसान है, और मैंने समझा भी दिया, अगर हम राउंड नेक की कटिंग या आर्म होल की कटिंग करेंगे तो किस तरह से हम पैटर्न को चेंज कर लेते हैं। ये देखिए यहां की मैं बात करूं तो ये देखिए यहां पे कट गया, फिर यहां पे कट गया, यहां पे कट गया, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे हमारी देखिए
नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे एक जाली आई है और आर्म होल की कटिंग के बाद हमने यहाँ पे दो जालियां दी है, क्योंकि यहाँ पे शुरू में हमने दो फंदों का एक कर लिया है, दो फंदों का एक, एक उल्टा धागा आगे करके जाली, एक जाली ये जो है ये हमारा ये वाला और ये वाला मिलके यहां से यहां तक एक पैटर्न बनता है, ठीक है। ये जाली होगी तभी तीन का एक होगा। अब एक ही साइड की जाली होगी, इस साइड तो हमारी जाली है ही नहीं, तो हमने क्या करना है, इस जाली को यहाँ पे बढ़ेगा तो हम पहले ही दो का एक कर देंगे, दो का एक, दो सीधे बना लिए, दो का एक, एक उल्टा धागा आगे ही था, जाली दे दी, ये इस तरफ का बन गया। अब ये जाली और ये जाली मिलके तीन का एक करेंगे, इस तरह से मैं आपको बता रही थी, ठीक है। तो पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा, आप भी बना लीजिए इतना ही आर्म होल तक। तो पार्ट नंबर टू में आपको मिलेगा देखने को कि आर्म होल की कटिंग कैसे करते हैं, गले की हम बी नेक जो गला होता है उसकी कटिंग कैसे करते हैं, और कंधे जोड़ करके कैसे हम गले को बनाते हैं, और जो आर्म होल के जो बॉर्डर होता है उसको उसमें कितने फंदे उठाएंगे और कैसे बनाएंगे, ठीक है, आपको पार्ट नंबर टू में देखने को मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, अगर थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हो गई, आप हेल्पफुल रही है वीडियो, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट मैं लेके आती हूँ, उसका नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करूंगी आपके पास जरूर आएगा, ठीक है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका जो नोटिफिकेशन होता है वो आपके पास आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी, मिलूंगी मैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।